हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि हमारा बेसिस जो है वो एनसीईआरटी है। और रीज़न एनसीईआरटी का सिर्फ ये है क्योंकि नीट का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो आपको एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रखना है। बट क्या होता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे पास में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएं और हम डिटेल में उसको अगर और उसके बारे में जानना चाहें तो हमारे पास में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि नॉर्मली अगर आपको कोई पढ़ाने बैठता है तो मेरे ख्याल से इतना फील में हम लोग चले ही जाते हैं। बट हमारे इस क्रैश कोर्स का जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि हम चाहते हैं कि आप कौन सी चीजों को फिल्टर कर ले, है ना, उनमें से जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं उनमें से फिल्टर कर ले एक पर्टिकुलर एरिया के। हाँ भाई, हमें इतनी ही चीजों पे ध्यान देना है और हमें इतना ही जानना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास में यही है कि हमारा टारगेट जो कि नीट 2020 है उस पर फोकस रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर भी हम लोग वही डायग्रामेटिक एंड चार्ट के थ्रू जितना एनसीईआरटी में दिया है उसको पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि हाँ भाई समझेंगे भी और उसके साथ में कि हमें कितना लर्न करना है और उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्योंकि एक्चुअल में मेन यही है कि पढ़ने के लिए हमारे पास में एनसीईआरटी में बड़ी थोड़ा सा हमें लगता है कि बहुत कम चीजें हैं, लेकिन उनमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से हमें उसको पढ़ना है, राइट। तो हमारा मेन फोकस उसी पे रहेगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हम स्टार्ट करते हैं आज। चलिए देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि हम जो ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि गैमेट्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं एंड फ्यूजन के, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बनता है और इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जिससे हम ये बोलते हैं कि न्यू बेबी जो है वो बोर्न होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिंपल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्या बोलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेटिक फ्यूजन जो होता है उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर वेरिएशंस जो है वो डेवलप होते हैं। प्रोजेनी जो है वो हम ये बोलते हैं कि सिमिलर होती है विद द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जो भी पेरेंट है उसका, उसके सिमिलर होती है बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर होती है, उसका क्लोन नहीं होती है। जेनेटिकली भी उसमें डिफरेंस यानी वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर तो उसमें क्या क्या स्टेजेस आएंगे, तो ह्यूमंस के अंदर हम ये बोलते हैं कि जब कोई भी मेल एंड फीमेल है तो उनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है रिप्रोडक्शन का वो यही है कि क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के बाद में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद में हम ये बोलते हैं इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स जो है उसको हम ये बोलते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर उसको जो है स्पर्म्स को उसको ट्रांसफर किया जाता है। इंसेमिनेशन के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज करेंगे, तो हम ये बोलते हैं कि इंसेमिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो बन गया वो उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, एंड इम्प्लांटेशन के बाद में हम ये बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड आता है जिसमें एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में हम बोल रहे हैं कि इम्प्लांटेशन होगा किसका, आपके एम्ब्रियो का, एंड देन जो जाइगोट है, जाइगोट का जो है उसका हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन होगा, देन एम्ब्रियो फॉर्म होगा और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। देन आएगा गेस्टेशन, एंड आफ्टर गेस्टेशन क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो है वो किसको बोल रहे हैं, पार्चुरेशन हम बोल रहे हैं बेबीज के बर्थ को। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में बेबी का बर्थ होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम ये बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस के अंदर। तो आपको मालूम चल गया है ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, गैमेटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये जो है कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। हम उससे पहले स्टार्ट करेंगे कि मेल एंड फीमेल जो है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं और उनमें गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बट हमारा बेसिस जो है वो एनसीईआरटी होगा, तो हमने फ्लो चार्ट्स के थ्रू उसको देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम ये बोलते हैं कि जो
मेल एंड फीमेल जो है उनके अंदर हम ये बोलते हैं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन कौन से हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन जो है वो कौन कौन से हैं, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी बोलते हैं, या फिर हम उसको एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, या जो एक्चुअल में हमें बताता है, ये एक्चुअल में एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बताने के लिए, उनके सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए कि वो मेल है फीमेल है, तो उनमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म जो एक कंडीशन है हम ये बोलते हैं ना कि जो प्रेजेंट रहती है, जिसमें मेल एंड फीमेल को मॉर्फोलॉजिकली देखकर बताया जा सकता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो इसी तरीके से ह्यूमंस में भी सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म जो है वो मिलता है, जैसे कि अगर कोई मेल है तो मेल के अंदर हमें बोलते दाढ़ी आती है, बॉडी जो है उस पर हम बोलते बहुत सारे हेयर्स आते हैं, उनके ईयर जो है इन पे भी हमें कुछ हम बोलते कि ईयर्स जो है वो हमें हेयर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उनकी वॉइस जो होती है उसका पिच जो होता है वो बहुत हाई होता है फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो, फीमेल की बॉडी पे इतने हेयर हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, राइट। तो मेल एंड फीमेल जो है इनके इनको पहचानने के लिए हमें बोलते हैं कि हमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है इसको हम बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस पे प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए नाउ, तो मेल एंड फीमेल अगर सेक्स ऑर्गन है तो उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोल रहे हैं, तो देखिए मेल जो होता है मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है मेल के अंदर, टेस्टिस आएंगे उसके अंदर। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हम ये बोल सकते हैं कि जो गैमेट जो है स्पर्म जो है उसके हम ये बोल सकते हैं कि उसके नरिशमेंट के लिए या तो कुछ सिक्रीशन करते हो या फिर स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कुछ जो बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हो, और ये भी हम बोल सकते हैं कि इंसेमिनेशन प्रोसेस जो होता है जिसके थ्रू हम ये बोलते हैं स्पर्म जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, तो उसमें हेल्प करते हो, तो वो सभी जो ऑर्गन्स आ रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो कौन कौन से हैं, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, वासा डिफरेंसेस, एपिडिडाइमिस एंड पेनिस, ये सभी जो हैं ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो पूछ सकते हैं कि इन ऑप्शन में दे सकते हैं कि कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, देन आपको नहीं है क्योंकि हमारे पास में या मल्टीपल में है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन जो आप सोच के देखिए, आप खुद भी बना के देखिए, तो क्वेश्चन क्या बन पाएगा, तो बिल्कुल टेस्टिस जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अगर मेल की बात करें तो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स जो है वो क्या डेवलप होंगे, तो वो होते हैं इनके वॉइस जो होती है लो पिच जो होता है ना उसका वॉइस का पिच जो है वो बहुत ही लो होता है, दाढ़ी आती है, शोल्डर्स जो है वो बहुत ही ब्रॉड रहते हैं, ठीक है, हिप्स जो है वो नैरो रहते हैं, तो ये जो है ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में मैं बात कर रही थी। फीमेल के बारे में अगर बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर फीमेल गैमेट बन रहा है वो कौन सा पार्ट है, वो है ओवरी, राइट। तो ओवरी के अंदर जो हम ये बोल रहे हैं कि ओवम जो है उसका फॉर्मेशन होता है, तो ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहां गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद में जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उन ऑर्गन्स को बोलेंगे जो हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑर्गन्स जहां पर या तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है या फिर एग जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो उसका इम्प्लांटेशन हो रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो का जहां डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो जितने भी ऑर्गन्स है या फिर वो पर्टिकुलर कैनाल या वो पर्टिकुलर डक्ट जहां पर इंसेमिनेशन होता है या फिर जहां से स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचते हैं, ट्रांसफर होते हैं एग तक पहुंच और वहां पे जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो वो जितने भी बाकी के रेस्ट ऑफ द मतलब ओवरी को छोड़ दीजिए उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं फीमेल के जो कि ये एग के स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन में और उसके इम्प्लांटेशन में और पार्चुरेशन तक उसके डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। कौन कौन से हैं, फेलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, वेजाइना है और मेमरी ग्लैंड्स है। मेमरी ग्लैंड्स जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है जो आफ्टर पार्चुरेशन बेबीज जो होते हैं उनके नरिशमेंट के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हम मैमलियंस हैं तो हमारे अंदर मेमरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। फीमेल के अंदर ये ज्यादा डेवलप होती है, मेल के अंदर इतनी डेवलप वो नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक करेक्टर है क्योंकि दोनों में ही प्रेजेंट है, बट ज्यादा डेवलप किसमें होती है, फीमेल्स में। पिच जो है वॉइस का वो बहुत ही हाई होता है, फेस बहुत ही स्मूथ होता है, नैरो शोल्डर रहेंगे और ब्रॉड जो है उनके हिप्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पता चलता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो क्वेश्चंस इस पे भी बनते हैं और क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, क्लियर। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, चार्ट के थ्रू इसीलिए बताया कि लर्निंग थोड़ी सी आसान हो जाए आप लोगों के लिए। तो अभी आपको याद रहेगा दोनों के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो आप मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो ये हुआ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कि पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनका कैसा है, किस किस तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल के अंदर ये ऑर्गन्स कैसे हैं।
तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले चीज आ जाती है टेस्टिस। टेस्टिस वो हम ये बोलते हैं कि पार्ट है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि जो आपके मेल गैमेट है यानी स्पर्म जो है उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो टेस्टिस वो है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये चीजें हैं क्वेश्चंस इन पे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच प्रेजेंट होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, उस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन? टेस्टिस, ठीक है, जिसके अंदर हम ये बोल रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। टेस्टिस जो है एक्चुअल में ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर हम ये बोलते हैं कि स्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इनके अंदर हम ये बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोब्यूल्स की क्वांटिटी कितनी है? 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी के पार्ट है ये जो कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, अगर मैं इसको बताऊं टेस्टिस को, तो इस तरीके से मैं बता सकते हो कि ये टेस्टिस है जो कि स्क्रोटम जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब टेस्टिस जो होते हैं इनके अंदर हम बोले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। इन लोब्यूल्स में एक्चुअल में होती क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है ना। तो 250 कंपार्टमेंट्स है और उसके अंदर कौन है? सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। और कितनी क्वांटिटी में? 1 से 3, है ना, हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स जो है प्रेजेंट रहती है, हाईली कॉइल्ड होती है। यही वो एरिया है जहां पर क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पर्म प्रोड्यूस कौन से पार्ट में हो रहे हैं? तो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। किससे होता है? कौन से सेल से होता है? तो यहां पर प्रेजेंट होती है मेल जर्म सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोसिस करती है। आपको मालूम है हमारे अंदर गैमेटिक मियोसिस होता है, तो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस हो रहा है जिसकी वजह से हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म होते हैं, राइट। तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोगोनिया से, क्लियर। तो मेल जर्म सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरल ट्यूबल्स में। इसके अलावा कुछ और सेल्स भी होती है जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स जो है ये एक्चुअल में क्या करती है? ये जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है और उससे जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो जो वो डेवलपिंग स्पर्म है उसका नरिशमेंट करती है, कौन? सर्टोली सेल्स। यानी आपको समझ में आया? टेस्टिस कितने हैं? 1 पेयर में टेस्टिस है। ये टेस्टिस प्रेजेंट किसमें होते हैं? स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्या है? आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है जिनके अंदर प्रेजेंट होती है एक, हर लोब्यूल के अंदर 250 लोब्यूल्स हैं, तो हर एक लोब्यूल के अंदर क्या होती है? 1 से 3 आपकी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितनी सारी हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उनमें। देन उनके अंदर दो तरह की सेल्स है, एक है स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस के थ्रू स्पर्म्स बनाएगी, एक होती है सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट देगी इन डेवलपिंग स्पर्म्स को, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो है उनको ये नरिशमेंट देने का काम कर रही है। तो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरे बात करते हैं, ये जो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स है यानी कि इनके बीच बीच का जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, ठीक है। तो ये इंटरस्टीशियल स्पेस जो होता है इस स्पेस के अंदर भी कुछ हमें बोलते हैं सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो यहां पर क्या होती है? ब्लड वेसल्स जो है उनकी सप्लाई रहती है। रीजन ब्लड का सप्लाई तो हर टिश्यूज को होता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके गैसेस का एंड हम ये बोलते हैं हॉर्मोन्स का और कुछ हमें बोलते हैं प्रोटीन का, तो ये कुछ आयंस का, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड की सप्लाई तो रिक्वायरमेंट है ताकि सेल जो है वो लाइव कंडीशन में रहे। तो वो तब तक जब तक ब्लड की सप्लाई नहीं रहेगी तो वो लिविंग कंडीशन में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कुछ ब्लड सेल्स जो ब्लड वेसल्स जो होती है तो उनकी सप्लाई हमें इस इंटरस्टीशियल स्पेस में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ प्रेजेंट होती है इंटरस्टीशियल सेल्स, ठीक है। ये इंटरस्टीशियल सेल्स जो होती है इनको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। तो ये लीडिंग सेल्स जो है ये हॉर्मोन जो है उसको रिलीज करती है, और ये हॉर्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो एक्चुअल में मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि किसके कंट्रोल में होता है? ये कंट्रोल में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, और पिट्यूटरी ग्लैंड खुद किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। जब वो रिलीज होगा देन सिग्नल मिलेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसको रिलीज करे। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो एक्चुअल में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? वो होते हैं LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्चुअल में क्या करवाता है? एंड्रोजन जो है उसका सिक्रीशन करवाता है, राइट। तो एंड्रोजन जो है वो रिलीज होगा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स यानी कि फेगोसाइटिक सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट रहती है। फेगोसाइटिक सेल्स का मतलब आपको पता है कि वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन
जब पार्टिकल यानी माइक्रोब्स अगर है तो उसको किल करने का काम करेंगे, राइट। तो फैगोसाइटिक सेल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो अभी आपको क्लियर हो गया टेस्टिस के बारे में, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए चार्ट के थ्रू उन इंपॉर्टेंट लाइन्स को हमने आपके सामने बताया है, तो आपको इन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको देखो स्ट्रक्चर आपको पूरा नजर आ जाएगा इसके अंदर। ये डायग्राम भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ये जो डायग्राम है वो फ्रंट साइड से नहीं है, ये लेटरल साइड लेटरल व्यू है, ठीक है। अगर इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले तो क्या आ जाती है, पेनिस जो कि एक्सटर्नल हम बोलते हैं जेनिटल पार्ट है, ये जो आप हमें बोल रहे हैं कि ये पेनिस के थ्रू जो है इनसेमिनेशन होता है स्पर्म्स जो बनते हैं उनका। लेकिन स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो टेस्टिस को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया है, ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। देन ये जो टेस्टिस होती है, ये टेस्टिस जो है इनमें भी कई तरह की हम ये बोलते हैं ट्यूबुल्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या हो गया आपका सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स आई, सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स जो है देन फिर वो बनाती है रेटेड टेस्टिस, ये रेटेड टेस्टिस फिर हाईली कॉइल्ड होती है जो बनाती है एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस जो है आगे वासा इफ्रेंशिया में ओपन होती है, देन वासा इफ्रेंशिया जो है वासा डिफरेंसेस जो है उसमें ओपन हो जाती है। तो ये कंटिन्यू है सेमिनिफेरल ट्यूबल्स रेटेड टेस्टिस के अंदर, रेटेड टेस्टिस ओपन हो गई किसके अंदर आपकी एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस वासा इफ्रेंशिया, देन वासा इफ्रेंशिया वासा डिफरेंसेस में, देन ये वासा डिफरेंसेस जो है ये आगे जाकर देखिए यूरिनरी ब्लेडर जो है इसके साथ में मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी ग्लैंड्स है, एक तो आपकी प्रेजेंट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सेमिनल वेसिकल्स, देखिए ये ग्लैंड भी यहां पे प्रेजेंट है ये, और एक और प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तीन ग्लैंड्स है सेमिनी वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो है यहां पर प्रेजेंट होती है। ये एक्चुअल में क्या करती है, ये कुछ हम ये बोलते हैं कि जो स्पर्म है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए और उसके साथ में पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के लिए ये रिलीज करती हैं, जैसे कि फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को रिलीज करती हैं, और फ्रक्टोज जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है जो डेवलप जो स्पर्म होता है उसके नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सेमिनल वेसिकल्स जो होती है उस फ्रक्टोज को जो है वो रिलीज करती है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की सिक्रीशन की, तो यहां पर ही होता है मेल के अंदर, अगर मैमल्स की बात करें तो मेल के अंदर फ्रक्टोज जो है वो यहां पर क्या होता है सिक्रीट होता है, तो सेमिनल वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। देखिए फिर यहां पर ये बोल रहे हैं कि कॉमन डक्ट ही है इजेकुलेटरी डक्ट, और ये आपका जो यूरिनरी ब्लेडर जो है ये एक कॉमन डक्ट जो होती है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं उसके थ्रू बाहर ओपन हो जाती है। ये फोरस्किन वो एरिया है जो कि ग्लांस पेनिस जो होता है उसको कवर करके रखता है, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए इसके अंदर देखिए मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, इसके लिए ये अलग से चार्ट के थ्रू इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि सीधा कई बार तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पर्म जो है वो ट्रैवल कैसे करता है ना, कौन से पार्ट से ट्रैवल करते हुए कहां कहां से जाते हुए फिर वो जो है ट्रांसफर होता है फीमेल के अंदर, तो उसका पूरा का पूरा पाथवे पूछ लिया जाता है। समटाइम ये पूछ लेते हैं कि कौन सी ट्यूबुल किसके अंदर ओपन हो रही है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया इंपॉर्टेंट बात है, एंड देन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की है और वो क्या क्या क्रिएट करती है और उसका क्या फंक्शन है, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस, अगर इन क्वेश्चंस के आप आंसर कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी का ही है, अभी हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं क्योंकि वन पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, ये कवर्ड है किसके अंदर प्रेजेंट है, ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। फिर ये देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये नजर आ रहे हैं आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये सभी क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है 250 हम क्या बोलते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें हाईली कॉइल्ड क्या प्रेजेंट होती है आपकी सेमिनल वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट होती है जो कि ओपन होती है किसके अंदर रेटेड टेस्टिस के अंदर। ये देखिए बहुत जाली जैसी ना छोटी छोटी प्रेजेंट है रेटेड टेस्टिस, तो क्वेश्चन ये आया रेटेड टेस्टिस जो है वो कहां प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट होती है इनसाइड द टेस्टिस, ये देखिए यहीं पे प्रेजेंट है टेस्टिस ये पार्ट है और इसके अंदर ये जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं रेटेड टेस्टिस। ये मार्किंग है ना बड़ी ध्यान से गौर से करिए, एनसीईआरटी के अंदर पूछते हैं, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने के व्यू से ही आपको चीजें बता रही हूं। तो रेटेड टेस्टिस कहां प्रेजेंट है, इनसाइड द टेस्टिस क्वेश्चन है ये। इसके बाद में ये ओपन हो जाते हैं किसके अंदर रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया के अंदर। तो ये जो है वासा इफ्रेंशिया जो है वो कहां से निकल रही है आपकी, वो निकलती है आपके रेटेड टेस्टिस से बाहर की तरफ निकल रही है। देन वासा इफ्रेंशिया जो है वो किसमें ओपन होती है, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस जो है ये कहां प्रेजेंट है, आउटसाइड द टेस्टिस, तो ये याद रखिए एपिडिडाइमिस कहां प्रेजेंट है, आउटसाइड द टेस्टिस।
वासा इफरेंशिया वो एरिया जो टेस्टिस से बाहर निकलती हुई ट्यूबल्स हैं, ये देखिए बाहर की तरफ निकलती हुई ट्यूबल्स हैं ये सारी की सारी। फिर ये एपिडिडाइमिस, ये एक्चुअल में हम ये बोलते हैं बैक साइड के अंदर जो है ना पूरे के पूरे बाहर से पूरी तरीके से टेस्टिस को इस तरह से कवर किए रहती है, अगर ये टेस्टिस है तो उसको यू एपिडिडाइमिस जो है कवर किए हुए है। फिर एपिडिडाइमिस जो है आगे ओपन हो रही है किसके अंदर, वासा डिफरेंसेस में, तो वासा डिफरेंसेस ये देखिए वासा डिफरेंसेस है जो आगे जाके इजेकुलेटरी डक्ट के साथ के थ्रू जो आपकी यूरिनरी जो ब्लेडर है उसके साथ में एक कॉमन डक्ट बना लेती है, इस कॉमन डक्ट को फिर हम क्या बोले यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो वासा डिफरेंसेस जो है वो क्या है, स्क्रोटल सैक जो है इसको छोड़ रही है और एंटर कर रही है किसमें, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछते हैं कौन सी कहां प्रेजेंट है, तो ये लोकेशन है रेटेड टेस्टिस की टेस्टिस के अंदर, ठीक है। वासा इफरेंशिया टेस्टिस से बाहर निकलते हुए प्रेजेंट होती है, एपिडिडाइमस पूरा पूरा टेस्टिस के बाहर ही है, वासा डिफरेंसेस स्क्रोटल सैक को यानी कि टेस्टिस की बात नहीं कर रहे, टेस्टिस तो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, स्क्रोटम से बाहर निकलती हुई होती है डिफरेंसेस और बाद में ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तक फैली रहती है और यही इसी तरीके से सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होती है, क्लियर। तो ये याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं मार्किंग करके, ये क्या है यूरिनरी ब्लेडर, सेमिनल वेसिकल्स पेयर्स में प्रेजेंट है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ही ग्लैंड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट जो है उसको रिलीज करती है और ल्यूब्रिकेशन के लिए भी क्या है जो केमिकल जो है उसको रिलीज करती है। चलिए नाउ पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इसीलिए इसको हमने एक चार्ट के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देखिए सेमिनल ट्यूबल्स जहां पर क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी स्पर्म्स म्यूसिस के थ्रू स्पर्म्स बनाएगी, देन ये स्पर्म्स जाएंगे किसके अंदर रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस ओपन होती है किसमें वासा इफरेंशिया में, वासा इफरेंशिया जो है वो किसमें ओपन हो रही है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस जो है वो किसमें ओपन होती है वासा डिफरेंसेस में, ये फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यूरिनरी ब्लेडर के साथ मिलकर एक कॉमन डक्ट यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ओपन हो जाती है। तो ये पाथवे है स्पर्म का, क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए, गौर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स, आपको पता है तीनों ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार लिख दिया जाए अगर कॉपर्स ग्लैंड तब भी समझ जाइए। अभी देखिए क्या सीक्रेट कर रही है, तो पहले तो ना फ्रक्टोज के बारे में ना याद रखिए, फ्रक्टोज के लिए स्पेशलाइज ये सेल्स हैं जो फ्रक्टोज को क्या करती है ये सीक्रेट करती है, तो फ्रक्टोज को उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिस सिट्रिक एसिड कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं इनको ये क्या करती है सीक्रेट करती है तीनों ही मिलकर, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। अभी देखिए सेमिनल वेसिकल्स का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सेमिनल वेसिकल्स जो है मेनली यही क्या कर रही है फ्रक्टोज जो होता है उसको सिक्रीट करती है, यानी कि जो सीमन पोर्शन होता है उसके अंदर सेमिनल वेसिकल्स का मेन रोल होता है, ये रिलीज करती है फ्रक्टोज को एंड कैल्शियम आयंस को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है इसको आप ध्यान रखिए। तो ये है मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड, समझ में आ गई तीन है कौन कौन सी है और क्या सिक्रीट कर रही है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिस और या फिर सिट्रिक एसिड कैल्शियम एंजाइम्स फ्रक्टोज ये किससे सिक्रीट होते हैं, लुब्रिकेशन के लिए कौन सी ग्लैंड जो है वो हेल्पफुल है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम आयन किससे रिलीज हो रहे हैं, देन सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो है, साथ में कुछ पार्ट जो है सीमन का रिलीज करती है। चलिए नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑल ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, वैसे तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइम पे भी पढ़ा था, एक बार मैंने पहले भी रिवाइज करवा दिया, फिर से देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको रिलीज करता है, ठीक है। देन ये जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है LH luteinizing, एक होता है FSH follicle stimulating hormone। LH किस पे एक्ट कर रहा है, ये लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है जिसकी वजह से एंड्रोजन जो है वो रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका काम क्या है एंड्रोजन का, ये स्टिमुलेट करता है किसको स्पर्मेटोजिनेसिस को, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको ये कर रहा है, उसके साथ साथ में सेकेंडरी करेक्टर जो है मेल के जो सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डेवलप करवाता है एंड्रोजन। FSH एक्ट करता है किस पे सर्टोली सेल्स पे, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन होता है सर्टोली सेल्स का और वो क्या करती है वो प्रोसेस करवाती है किसका स्पर्मियोजेनेसिस का, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ये करवा रही है स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये सब कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सर्टोली सेल्स पे, ये जो है वर्क करती है सर्टोली सेल्स, इसके साथ में क्या कर रही है नरिशमेंट का भी काम करती है डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया के, ठीक है। तो ये हो गई दो LH एंड FSH, यहां याद रखिए ये FSH अकेला ही काम नहीं कर रहा है,
क्योंकि देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस हो रहा है वो दोनों के थ्रू हो रहा है, तो अगर अगर क्वेश्चंस पूछने का तरीका पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो किस पे काम कर रहा है ये पूछे तो लीडिंग सेल्स, FSH किस पे काम कर रहा है तो सर्टोली सेल्स, LH एंड FSH दोनों मिलकर काम करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे, और LH जो है वो एंड्रोजन रिलीज करवाता है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, लेकिन हम उसके साथ में हम ये बोल रहे हैं कि कैरेक्टर्स जो है वो भी डेवलप होते हैं मेल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल किसका, आपके हम ये बोल रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। चलिए नाउ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस के थ्रू गैमेट्स फॉर्म होते हैं। अभी कहां और कैसे होते हैं तो ये देखिए, ये है आपका टीएस सेक्शन टेस्टिस का लिया तो उसमें आपको नजर आ रही है, ये है सेमिनल जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है उनका सेक्शन है। अब यहां पे देखोगे तो दो तरह की सेल्स है, कुछ तो सर्टोली सेल्स है जिनके अंदर स्पर्म्स जो बन चुके हैं ना, जो स्पर्म्स बन चुके हैं मेल गैमेट, वो उनकी हम बोलते हैं हेड रीजन जो होता है सर्टोली सेल्स के अंदर धसा हुआ रहता है। तो यहां पे सर क्यों, क्योंकि वो नरिशमेंट लेती है ना सर्टोली सेल से, तो इसमें अंदर यूं धसी हुई रहती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है, स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया वो सेल्स है जिनमें मियोसिस होता है, यानी जर्म हम बोलते हैं जर्मिनल सेल्स हो गई है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये बनाती है किसको, स्पर्म्स को बनाती है। इसके अलावा इंटरस्टीशियल सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर जो लीडिंग सेल्स है जो LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको रिलीज करती है, तो यहाँ पर लीडिंग सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है इंटरस्टीशियल सेल्स। ये डायग्राम याद रख लीजिए, लेबलिंग याद रखिए, क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस जो है वो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस देखिए प्यूबर्टी के टाइम, अभी ये याद रखिए कि मेल में और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस जो है वो दोनों ही डिफरेंट तरीके से हो रहा है। डिफरेंट ऐसे कि जो फीमेल होती है वो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में फिटल स्टेज जो होती है तभी स्टार्ट हो जाता है, राइट। मेल के अंदर ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी के टाइम होता है। मियोसिस आप जानते हैं दो स्टेप है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। दो स्टेप में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करती है और चार सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या करती है, प्यूबर्टी के टाइम पे माइटोसिस डिफरेंशिएशन कर रही है, और उसके बाद उसकी वजह से जो है वो जो सेल्स बनती है माइटोसिस कर रही है, अपनी क्वांटिटी को उसने इंक्रीज किया है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ने। तो अब जो बनी है माइटोसिस के थ्रू सेल्स इनको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है, ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स फिर क्या करती है, मियोसिस फर्स्ट करेंगे जिनकी वजह से क्या बनी है, दो सेल्स बनी। देन अब जो सेल्स बनती है उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर होगा सेकेंड मियोसिस, ठीक है, और सेकेंड मियोसिस होगा तो उसकी वजह से जो सेल्स बनेंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड बोल रहे हैं। अब ये स्पर्मेटिड जो होती है ये डिफरेंशिएशन करती है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ बनता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्म, तो अभी आप समझ में आया, मियोसिस फर्स्ट से जो सेल बनी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट से उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये देखो ये क्लियर टर्मिनोलॉजी याद रहनी चाहिए, हम यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं। तो जर्म जो मदर सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये एक्चुअल में डायरेक्टली मियोसिस नहीं कर रही, पहले ही अपनी क्वांटिटी बढ़ा रही है, तो माइटोसिस करेगी। जो अब जो माइटोसिस की वजह से सेल बनी उनको हमने बोला स्पर्मेटोसाइट, बट प्राइमरी। फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो बनी कौन सी सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर करेगी मियोटिक जो डिवीजन है सेकेंड जो है उसको करेगी, जिसकी वजह से क्या है अब की बार चार सेल्स हो जाएंगी, एक दो से चार हो जाएंगी। तो ये जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के बाद में जो सेल्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो है वो फिर डिफरेंशिएट होता है एंड देन बनता है, फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी ध्यान रखिए। मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट कौन सी सेल्स है, मियोसिस सेकंड का रिजल्ट कौन सी सेल्स है मेल के अंदर, तो ये चार्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिए कि ये जो डिवीजन स्टार्ट हुआ है कब हुआ है, एट प्यूबर्टी, ठीक है ना। प्यूबर्टी के ऊपर ये जो है डिवीजन स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी देख लो किसमें कितने हैं, वो ध्यान रहना जरूरी है। स्पर्मेटोगोनिया उसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए 46 जो है अब ये हाफ हो जाएंगे। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन किसमें हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो इसकी वजह से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है उसमें नंबर कितने हैं, 23। उसके बाद में स्पर्मेटिड हो चाहे स्पर्मेटोजोआ हो, सब में कितने होते हैं क्रोमोसोम, 23 23 23। याद रखिए इस चीज को, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को ही हम गौर से पढ़ते नहीं है और छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, बाकी लेंदी चीजें समझने में चले जाते हैं। क्वेश्चन इन पे बनते हैं, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्पर्म स्ट्रक्चर अगर देखेंगे स्पर्म की, तो देखिए डिफरेंशिएट होने के बाद में स्पर्म के अंदर देखोगे अगर आप,
तो आगे का ये हेड रीजन जो है वो किस उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है एक्चुअल में यहाँ पे एंजाइम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म को, जो एग होता है उसको उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। फिर उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट जो है वो आ गया न्यूक्लियस, जिसमें क्रोमोसोमल मटीरियल है। ये है नेक रीजन, नेक रीजन जो है वो सेंट्रियोल से बना होता है। उसके बाद में आ गया मिडल पार्ट जो है मिडल पीस, इस मिडल पीस के अंदर क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं क्योंकि एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनको स्विम करना होता है और इनको बहुत लंबा पाथवे जो है उसको हम ये कहते हैं कि पूरा करना होता है जिसके थ्रू ये एग तक पहुंचते हैं। एंड देन ये क्या है टेल, और ये जो रीजन है जिसमें न्यूक्लियस और एक्रोसोम आ रहा है इसको हम बोलते हैं हेड, जो कि कवर्ड है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अभी क्वेश्चन इस पे पूछ लेते हैं कि ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो लेबलिंग अगर पूछे तो भी पता होनी चाहिए, टेडपोल जैसे इसकी स्ट्रक्चर है तो लेबलिंग का भी आप ध्यान रखिए, और इसके साथ में अगर कोई पर्टिकुलर पूछ लिया जाए फंक्शन तो वो भी ध्यान रखिए। एक्रोसोम ये वो जिसके थ्रू जो एंजाइम रिलीज करते हैं जिसके थ्रू ये एग के अंदर पेनिट्रेट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है स्विमिंग करने के लिए। चलिए इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। इंटरस्टीशियल सेल सिक्रीट हॉर्मोन कॉल्ड, कौन सा हॉर्मोन सिक्रीट करती है भाई, एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन कर दिया। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है आपको बताने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए। चलिए नाउ नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नॉन एज, कौन सा हार्मोन सर्टोली सेल पे काम करता है। तो LH काम करता है किस पे, लीडिंग पे, और FSH काम करता है सर्टोली सेल्स पे। तो ये हो गया ऑप्शन बी राइट, राइट। चलिए आगे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ए मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। तो क्या होता है भाई, पहला आता है स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनती है, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोई वर्ड नहीं दिया, तो हम देख लेते हैं स्पर्मेटोसाइट कहाँ है। तो इसमें स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। तो स्पर्मेटिड कहाँ हो गया, ये आपका स्पर्मेटिड, और जिससे बनता है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म आप उसको बोल सकते हो, यानी कि ए, ये ऑप्शन जो है वो राइट है। ये हम लोगों ने अभी जो वो चार्ट बना हुआ था उसी के अंदर हमने ये वर्ड्स देखे थे, देखिए उसी से क्वेश्चन बन गया। वो पूरा चार्ट तो नहीं दिया लेकिन उसकी लेबलिंग से ये क्वेश्चन बन गया है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट इन पे करिए। चलिए, ए सेक्स ग्लैंड विच कॉन्ट्रीब्यूट फ्लूड कंटेनिंग शुगर फ्रक्टोज दैट प्रोवाइड स्पर्मेटोजोआ एनर्जी फॉर स्विमिंग एंड हॉर्मोन प्रोस्टाग्लैंडिस दैट स्टिम्युलेट कॉन्ट्रैक्शन इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू एड स्पर्म एंड ओवम इंटरेक्शन। कौन सी ग्लैंड है भाई वो, तो वो मैंने आपको बताया कि मेन सीमन जो होता है वो किसके थ्रू बनता है, सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू, जिनके अंदर फ्रक्टोज कैल्शियम प्रोस्टाग्लैंडिस ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या होगा, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो याद रखिए प्रॉपर आंसर अगर एक्यूरेट पूछा जाए सेमिनल वेसिकल कॉम्बिनेशन में दिया हो देन यू कैन आंसर सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर ऐसा भी दिया हो तो वो आंसर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर दिया गया हो तो ऐसे दिया तो आपको प्रॉपर आंसर करना जरूरी है। चलिए नाउ मार्किंग एज इट इज एनसीईआरटी में दिए वही पूछिए, आपको पता है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ऊपर वाला ये एरिया क्या है, एक्रोसोम। बी जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। सी है नेक, और डी जो है वो है मिडल पीस जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अभी देख लीजिए सीक्वेंसिंग, हमें पता है टेल के बारे में पूछा नहीं है, अब कहां मैच कर रहा है, ई जो है वो क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक एंड टेल, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही दिया है केवल, ऐसे ही हमें आंसर मिल गया, बट फिर भी देख लेते हैं। ए जो है वो है एक्रोसोम, बी है न्यूक्लियस, सी है नेक जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, डी जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने जो है मार्किंग इस तरह से की है, तो बी आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, राइट, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अभी देखिए वापस हम लोग चार्ट के थ्रू पहले सारी चीजें जो है ना, सारी टर्मिनोलॉजी है उसको ध्यान में रख लेते हैं क्या क्या है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेन पार्ट जो है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन है, ओवरी है। आप जानते हैं ओवरी जो है वहां पर ओवम जो है उसका फॉर्मेशन होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, ओवम उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कुछ ओवेरियन हॉर्मोन्स जो है उनको भी रिलीज करते हैं। अभी एग्जांपल समझिए तो कैसे, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक्चुअल में ओवम जब क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अभी फेलोपियन ट्यूब क्या होती है उसको समझिए, ये जो है ये हम बना देते हैं फेलोपियन ट्यूब और ये हमने बनाया ओवरी, ठीक है। तब जब ओव्यूलेशन हो गया और ओवम जो है एंटर कर गया फेलोपियन ट्यूब में, तो रेस्ट पार्ट जो होता है फॉलिकल का उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो होती है वो डेवलप रहती है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है तो वो उसको रिलीज करवाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कुछ ओवेरियन हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं किससे, ओवरी से। इस तरीके से फंक्शन को याद कर सकते हैं। फिर किससे होते हैं ये लाइन जब आप याद करेंगे तो याद करने का प्रोसेस
और अच्छा हो जाएगा। चलिए, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन सी आ रही है? ये इसके फीमेल एसेसरी पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। तो ये देखिए, ये है फेलोपियन ट्यूब एंड देन आपका यूट्रस, राइट, एंड देन वजाइना, ठीक है। तो ये आपके हो गए फीमेल पार्ट। इसके अलावा सर्विक्स, ये जो है हम ये बोलते हैं ट्यूबुलर पोर्शन जो है इसका, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। अभी देखिए, फेलोपियन ट्यूब जो है इसके भी हमें पार्ट देखने को मिलेंगे। एक तो है इन्फंडिबुलम, जो फनल शेप स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। एम्पुला, ये वाइडर रीजन है, ये है एम्पुला, ठीक है। और इस्थमिस जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक नैरो सा रीजन होता है जो कि ज्वाइंट करता है यूट्रस के साथ में। अभी देखिए, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला और इस्थमिस जंक्शन पे, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। डायग्राम में आप लोग अपने एनसीईआरटी को उठा के देख लीजिए किस स्पेस में दिखाया होगा, तो वो दिखाते हैं कहाँ, एम्पुला और इस्थमिस जो है उसके जंक्शन पे, इस एरिया में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा पार्ट जो है आपके फेलोपियन ट्यूब का ओवरी के नजदीक होता है? तो दैट इज इनफंडिबुलम, ये पोर्शन जो है फनल शेप, जहां पे हम ये बोलते हैं फिम्बरी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ओवम जो होता है एंटर कर जाता है। तो ये जो है इनफंडिबुलम, ये ओवरी के ज्यादा नजदीक होता है। चलिए, तो फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट पे। तो एक्सटर्नल जेनिटल में आते हैं मोन्स प्यूबिस, लेबिया मिजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो ये जो है एक्सटर्नल जेनिटल है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल है, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वापस वही जैसे मेल का लेटरल पार्ट था, ये वैसे ही लेटरली हमने इसका सेक्शन कटिंग है, इसमें आप देखो। तो देखिए, क्लाइटोरिस, ये एक्चुअल में हम ये बोल रहे हैं कि जो क्लाइटोरिस जो है, ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये उसका हिस्सा नहीं है, ये एक्स्ट्रा हम ये बोलते हैं कि पार्ट होता है, एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट है। लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा आउटर कवरिंग्स है। फिर उसके बाद में हम ये बोलते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, अभी पहले तो इसकी प्रेजेंस देखो कि इसकी प्रेजेंस कहाँ है। इसकी प्रेजेंस जो होती है वो आपके यूरिनरी ब्लेडर जो है उसके बैक साइड में, ये यूरिनरी ब्लेडर के बैक साइड के अंदर है, ठीक है। तो यूरेथ्रा जो है वो अलग से ओपन होती है, ओपनिंग उसकी अलग है। मेल के अंदर यूरेथ्रा के साथ ही जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो भी बाहर ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बोले यूट्रस जो है, यूट्रस ओपन होता है, ये देखिए फनल शेप से स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वेजाइना, उसमें ओपन हो रहा है, ये है आपकी वेजाइना, ठीक है। और यूट्रस जो है इस तरीके से पीछे यूरिनरी ब्लेडर के पीछे बैक साइड के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। तो कभी कंपैरिजन इससे मत कर लेना कि ये आपका क्या है, यूट्रस है, ये है यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लेडर के पीछे की तरफ यानी कि बैक साइड के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लेबलिंग के फॉर्म में, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आपको पता चल गया है। यूट्रस जो है, अभी देखिए यूट्रस जो है कैसा होता है, यूट्रस को हम वोम भी बोलते हैं। यूट्रस जो होता है ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर जैसी होती है। शब्द पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें ईजी लगता है कि इन्वर्टेड पियर जैसी होती है, याद रखना आसान है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग अगर चीजें पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अभी देखिए, ये इस तरह से आप यूट्रस जो है ना इसको बना दो, ये यूट्रस है, यहां से फिर आपके इस्थमस एंड आपका क्या बोलते हैं जो आगे एम्पुला है, आपकी फनल शेप जो इन्फंडिबुलम है वो पोर्शन आ जाते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब आ जाती है। तो ये जो है इन्वर्टेड पियर शेप में जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूट्रस बोल रहे हैं। अब ये यूट्रस जो है ये लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल जो होती है उससे अटैच रहता है। यूट्रस की जो वॉल होती है, अब यहाँ पे देखिए इसकी वॉल जो है इसमें तीन लेयर है, कौन कौन सी है, एक है पेरीमेट्रियम, दूसरी है मायोमेट्रियम और तीसरी है एंडोमेट्रियम। अभी देख शब्द से ही समझ जाओ कौन कौन सी है। एंडोमेट्रियम का मतलब क्या हो गया, इनर, और ये कैसी होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है। तो ये इनर ग्लैंडुलर लेयर जो है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और ये एक्चुअल में लाइनिंग बनाती है किसकी, यूट्रस की कैविटी की, यानी सबसे अंदर की तरफ अगर आप बनाएंगे ये जो है इसको हमने क्या बोला है, एंडोमेट्रियम बोला है। साइक्लिक चेंज जो होते हैं इस एंडोमेट्रियम में होते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो टिश्यूज बाहर निकलते हैं वो एक्चुअल में है क्या, एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो ये एंडोमेट्रियम जो है बनी रहती है, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो आपकी एंडोमेट्रियम है ये बाहर निकल जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। चलिए, मायोमेट्रियम जो है ये मिडल की थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो मायोमेट्रियम, मायो वर्ड से आ रहा है कि यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, यानी कि जो हम बोलते हैं पार्चुरेशन के टाइम पे, बेबी बर्थ के टाइम के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर, वो जो कॉन्ट्रेक्शन है वो किसमें होते हैं, मायोमेट्रियम के अंदर होते हैं, यानी यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं पेरीमेट्रियम, ये एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोल रहे हैं पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस के अंदर कितनी लेयर है, तीन है,
तीनों याद रहनी चाहिए। इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, कौन कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है, आउटर कौन सी है, पेरिमेट्रियम होती है, ठीक है। तो ये हुआ यूट्रस। चलिए अभी डायग्राम देखिए, डायग्राम में भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये है यूटेरिन कैविटी, ये है आपकी ओवरी, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। देखिए एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन है यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। इन्फंडिबुलम के आगे फिम्बरी होते हैं जो कि ओवम को अंदर की तरफ धकेलने में हेल्प करती है, ठीक है। ओवरी भी क्या है, एक पतले से हम ये बोलते हैं कि लचीली सी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू अटैच रहती है आपकी किसके साथ में, वॉल के साथ में, ठीक है। फिर ये देखिए सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम, ग्लैंडुलर है। फिर है मायोमेट्रियम, मसल्स प्रेजेंट होती है। पेरीमेट्रियम बाहर की थिन होती है। देन ये है सर्विक्स, सर्विक्स जो है वो वेजाइना में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इनकी कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, तो उसको आप ध्यान रखना। सर्विक्स हम बोल रहे हैं इस और जहां पे ये इन्वर्टेड हमें पीयर शेप जो स्ट्रक्चर की लास्ट जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हम सर्विक्स बोल रहे हैं, ठीक है। और वेजाइना ट्यूबुलर पार्ट रहता है, पूरा का पूरा ट्यूबुलर हिस्सा जो है उसको हम वेजाइना बोलते हैं। तो ये हो गया यूट्रस, क्लियर आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है मेमोरी ग्लैंड। देखिए जो फीमेल्स होती है इनमें मेमोरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका मिल्क है उसका प्रोडक्शन होता है। तो अभी देखिए यहाँ पर आप देखो मेमोरी ग्लैंड जो है इसकी सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। एक तो देखो यहाँ पे फैट टिश्यूज बहुत ज्यादा डिपॉजिटेड रहते हैं, ठीक है। तो फैट टिश्यूज का डिपोजिशन होने जो है ज्यादा मिलता है किसके अंदर, फीमेल में, मेल में इतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है, मेमोरी लोब्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये देखिए ये आपको नजर आ रही है, ये मेमोरी लोब है, ये मेमोरी लोब्स है, ठीक है। ये देखिए और इन मेमोरी लोब्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, आपकी मेमोरी एल्वियोलस। ये देखिए ये मेमोरी एल्वियोलस है, ब्रांचिंग है। आप एक तरीके से आप इमेजिन करो ना कि आपके लंग्स जो थे उसके अंदर जो एल्वियोली थी, है ना, हिस्सा जहां पे रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन हो रहा था, रेस्पिरेशन सर्विस प्रोवाइड हो रही थी, तो उस तरह की क्या होती है, ये एल्वियोलीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये एल्वियोलीज जो है ये जिस डक्ट से आपस बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मेमोरी डक्ट है, ये मेमोरी डक्ट आपस में आगे जाके एक जगह जॉइंट हो जाती है, तो वहां पे उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ये है एम्पुला, ठीक है। फिर ये एम्पुला जो है बाहर जो है ओपन होते हैं किसके थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू। तो ये कनेक्टिविटी जो है ना इसको याद रखना, एम्पुला वो एरिया है जहां पर जो है ये सारी की सारी मेमोरी डक्ट एक साथ में मिल जाती है। फिर ये एम्पुला ही लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बाहर निकलती है, जहां पर मिल्क जो है बाहर निकलता है, ठीक है बाहर। अब ये चीजें जो है ना, ये सीक्वेंस जो है ये याद रखना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा तो ये डायग्राम जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया कि लोकेशन बताने के लिए कि कहां प्रेजेंट है। तो ये आपकी रिब्स है, रिब्स के हम ये बोल रहे हैं कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और ये रिब्स जो है इनके बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती है। बाकी आपको यही बताने के लिए ना कि यहाँ पे देखिए ये पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। निप्पल है जिसके थ्रू बाहर निकलता है, एरियोलीज है, एरियोला है एरिया, और ये जो है सीक्वेंस मेन तो इंपॉर्टेंट एक्चुअल में यही है ना, इसी को आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अंदर जो टर्म जो जितने भी आपको लेबलिंग दी गई है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेमोरी लोब के अंदर जो है मेमोरी एल्वियोलस जो है वो एरिया प्रेजेंट रहता है जहां पर मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एम्पुला के अंदर क्या होता है, वो मिल्क जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क जो है बाहर निकलता है। ये सिंपल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चलिए गैमेटोजेनेसिस, अब याद रखिए जब हम लोगों ने पढ़ा मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस जो है वो कब हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पे। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है कब, जब फिटल लाइफ होती है उसी टाइम पे, यानी कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर ही क्या हो जाता है ये मियोसिस जो है वो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिटल लाइफ के अंदर ये स्टेज जो है आ जाती है, उसके बाद में हम ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में वो रुक जाता है डिवीजन, एंड देन जब प्यूबर्टी आती है देन वो नेक्स्ट डिवीजन होकर ओवम जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सीक्वेंस को हम समझेंगे, उससे पहले ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर देखोगे तो इसके दो पोर्शन आपको नजर आते हैं। ये इसका हम ये बोल रहे हैं कॉर्टेक्स रीजन है, बाहर पेरिफेरल एरिया है जहां पर आप कुछ फॉलिकल्स नजर आ रही है। तो ये फॉलिकल्स जो है ये प्राइमरी फॉलिकल्स, देन ये फिर उसके बाद में हम बोलते हैं मेच्योर हो जाती है, देन टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है जिसके बीच में कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, एंड फिर बनती है ग्राफियन फॉलिकल जो कि मेच्योर होती है। जब ये मेच्योर होती है तो उसी के अंदर से ओवम जो है उसको रिलीज होता है, और कार्पस ल्यूटियम उसके बचे हुए हिस्से को हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए गैमेटोजेनेसिस होता कब है, तो ऊगोनिया वो सेल्स हैं जिनके अंदर डिवीजन होता है, जैसे वहां स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ ऊगोनिया है।
ये माइटोसिस करेगी एंड डिफ्रेंशिएशन करेगी, जिसकी वजह से प्राइमरी ओसाइट बनेगी। वहां पे स्पर्मेटोसाइट बन रही थी, ये डिफ्रेंशिएशन किया और ये प्राइमरी ओसाइट बनी। बट ये कब बन रही है, यहाँ पर फिटल स्टेज में बन रही है। मेल के अंदर ये कब बन रही थी, मेल के अंदर ये हमें बोले प्यूबर्टी के बाद में बन रही है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मियोसिस हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, ओव्यूलेशन से पहले। तो ये ओव्यूलेशन से पहले ये फर्स्ट मियोसिस होगा। अभी देखिए कंडीशन याद रखिए, तो जब बच्चे का जन्म, बेबी जो गर्ल होती है वो जब उसका बर्थ होता है, तो उस टाइम पे प्राइमरी ओसाइट्स उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, देन चाइल्डहुड एंड देन प्यूबर्टी जब आएगा, तो जो वो मियोसिस फर्स्ट है उसकी वजह से क्या बनेगा, आपका सेकेंडरी ओसाइट सेल्स बनेंगे। अब ये सेकेंडरी ओसाइट सेल्स जो है, ये जब बन रही है ना, सेकेंडरी ओसाइट सेल्स ये जो है इसी स्टेज के अंदर ओवम के अंदर प्रेजेंट रहेगी, जब तक कि वो ओवम जो है वो रिलीज ना हो जाए ओवरी में और पहुंच ना जाए फेलोपियन ट्यूब में। जब वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाएगा, तब ये सेकेंडरी आपकी जो ओसाइट है वो क्या करेगी, डिवीजन करेगी और ओवम का फॉर्मेशन करेगी। बट याद रखिए, जब डिवीजन होता है, आपको पता है एक सेल जब डिवाइड करती है तो कितनी सेल्स बनती है, दो। लेकिन दोनों में से एक जो है वो आप हम ये बोल सकते हैं डीजनरेट हो गए, जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। केवल एक ही सेकेंडरी ओसाइट रहती है, देन वो सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगी, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम बनेगा एक। यानी कि एक ओगोनिया से कितने, हमें बोल रहे हैं कि एक सॉरी प्राइमरी ओसाइट से कितने ओवम बनते हैं, तो एक ही बनता है। एक प्राइमरी ओसाइट से केवल एक ही ओवम बनता है। रीजन ये क्योंकि अगर एक सेल जो है वो डिवीजन करती तो बननी चार चाहिए थी, बट फर्स्ट मियोसिस के साथ में बनने वाली एक सेल जो है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोल देते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि डिजनरेटेड हो जाती है। एंड सेकेंड पोलर बॉडी जो है सेकेंड म्यूसिस के बाद में बनती है, वो भी एक्चुअल में डिजनरेट हो जाती है। देन ओवम का फॉर्मेशन होता है, केवल एक ही ओवम बनता है एक प्राइमरी ओसाइट से। तो ये क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव लाइफ में हो रहा है। अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखोगे तो ओगोनिया में कितने हैं, 46, प्राइमरी ओसाइट में कितने हैं, 46, बट उसके बाद में सेकेंडरी ओसाइट बनी तो उसमें कितना हो गया, 23, एंड बाद में भी कितना है, 23। अभी देखिए कंडीशन ये है कि ओवम जो है वो बाहर अगर रिलीज हुआ तो कौन से स्टेज में रिलीज होता है, जब उसके अंदर क्या होती है, आपकी सेकेंडरी ओसाइट सेल्स रहती है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट सेल्स जो है ये मियोटिक सेकेंड डिवीजन करेगी नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है किस कंडीशन पे, कि स्पर्म्स आते हैं और उसको आके पेनिट्रेट करते हैं। अगर वो पेनिट्रेट कर देते हैं तो देन क्या होगा, उससे वो इंड्यूस होकर सेकेंडरी जो मियोटिक डिवीजन है वो करेगी, जिसकी वजह से सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और जो हम ये बोलते हैं कि एग जो सेल है उसका फॉर्मेशन होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। यानी कि सेकेंडरी ओसाइट इसी स्टेज के अंदर जो है क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है ओव्यूलेशन से पहले, एंड सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कब होता है, ओव्यूलेशन के बाद में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज रहती है कब, जब ओवम जो है रिलीज होता है, कहां से, ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। एंड देन ये सेकेंड मियोसिस करेगा कब, जब इसको स्पर्म जो है उस ओवम को आके क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, तो उससे इंड्यूस होके वो क्या करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है उसको करेगा, जिसकी वजह से एग सेल जो है वो बनेगी और स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगी, ठीक है। तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। चलिए नाउ इन पे हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, तो आपको पता है हाइपोथैलेमस वही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टिमुलेट होती है एंड देन रिलीज करती है LH एंड FSH, ठीक है। तो LH एंड FSH जो है वो किस पे वर्क कर रहे हैं, ओवरी पे वर्क कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, LH जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो उसको रिलीज करवा रहा है, जिससे फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम बोल रहे हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और FSH क्या करता है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं उन सबको डेवलप करने का काम कर रहा है, और कार्पस ल्यूटियम जो होता है उसको मेंटेन करने का काम भी करता है ना। LH जो है तो ये प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होगा कब, जब कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखिए आगे इस चीज को आप समझिए, कैसे समझेंगे कि प्रोजेस्ट्रोन और ईस्ट्रोजन कब तक, प्रोजेस्ट्रोन जो है वो कब तक जो है रिलीज होता रहेगा, जब तक कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद में वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो भी मेंटेन नहीं रहेगा। नेक्स्ट फॉलिकल सेल्स जो है नेक्स्ट 28 डेज के अंदर फिर से प्राइमरी फॉलिकल देन सेकेंडरी देन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, तो वो कार्पस ल्यूटियम बना नहीं रहेगा, वो बनेगा नहीं तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। तो जब तक प्रेगनेंसी रहती है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, और वो किससे रिलीज होता है, वो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोसेस जो होता है पूरा नेगेटिव, ये पूरा फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। नेगेटिव फीडबैक रहेगा तो क्या हो जाएगा,
देन गोनेडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा, वो रिलीज नहीं करेगा तो ये एफएसएच को रिलीज नहीं करेगा, एफएसएच को रिलीज नहीं करेगा तो ओवरी जो है वो एक्चुअल में उसमें प्रेजेंट कॉर्पस ल्यूटी मेंटेन नहीं रहेगा और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। पॉजिटिव फीडबैक रहा तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम इसी तरीके से ये हार्मोन रिलीज होंगे और कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक रहेगा और नेगेटिव फीडबैक रहेगा तभी प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने बता दिया। चलिए, येलो कार्पस ल्यूटियम अकर इन मैमल्स, कहां पे प्रेजेंट होता है भाई, ओवरी में प्रेजेंट होता है और सिक्रीशन करता है किसका, प्रोजेस्टेरोन का। देन ये आंसर हमारा राइट है, बाकी तो सब स्किन ब्रेन एंड लीवर है। चलिए, मैच द कॉलम ऑप्शन। पेरीमेट्रियम कैसी होती है, पतली होती है, बाहर की लेयर है थिन। मायोमेट्रियम थिक होती है, मस्कुलर होती है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, ए से बन रहा है आपका थ्री, तो कौन से ऑप्शन है, ए एंड बी, डी, ये दोनों में ए थ्री है। बट मायोमेट्रियम जो है वो कैसी है, थिक है, यानी कि सॉरी पेरीमेट्रियम जो है थिन है, ए का मतलब हुआ टू, ये एंड ए टू। चलिए, उसके बाद में मायोमेट्रियम जो है वो कैसी है, थिक है, यानी कि बी का ऑप्शन हुआ थ्री, यानी कि ये। एंड एंडोमेट्रियम जो है वो कैसी है, ग्लैंडुलर है, यानी कि सी वन, यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन, ये आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, आपको लेबलिंग बतानी है। तो आपको पता है कि सी जो है वो क्या है, सी जो है एक्चुअल में इस्थमस है, राइट। और आपको पता है कि इस्थमस जो है यहाँ पर इस्थमस एंड जो एम्पुलस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, डी जो है वो ओवरी है और बी जो है वो एंडोमेट्रियम है और ए जो है वो आपका सर्विक्स है। तो देख लीजिए ए सर्विक्स कहाँ है, तो ए सर्विक्स एंड ए सर्विक्स, ठीक है। देन बी जो है वो एंडोमेट्रियम है, यूटेरियन कैविटी, और ये बता रहा है यूट्रस। चलिए और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सी डी जो है वो ओवरी है, तो इसमें भी डी ओवरी है और वहां पे डी फंडस है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये यूटेरियन कैविटी एंड सी जो है फेलोपियन ट्यूब, यानी कि ये कहना चाह रहा है इस पूरे पोर्शन के लिए बात कर रहा है, तो ये है फेलोपियन ट्यूब और ये इस कैविटी के बारे में बात करना चाह रहा है, तो ये है यूटेरियन कैविटी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा राइट हो जाएगा, सर्विस यूट्रस, सॉरी सर्विस देन फेलोपियन ट्यूब यूटेरियन कैविटी एंड डी जो है ओवरी, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट। बी अगर यूट्रस अगर हम बताते हैं देन सी ओवरी, गलत है ये, यानी डी हमारा जो है ऑप्शन राइट है, ओके। तो डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन। देन ये आगे फिर फॉलो अप क्वेश्चन, तो आपको फॉलो अप क्वेश्चन को बताना है क्योंकि आज के टॉपिक में हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव जो पोर्शन है और जो पार्ट है उसी को डिस्कस किया, एंड गैमेटोजेनेसिस को, मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्लांटेशन कैसे होगा, एंड देन जो डेवलपमेंट गेस्टेशन कैसे होगा, पार्चुरेशन कैसे होगा, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, तो थोड़ा सा आपके शेड्यूलिंग में चेंज है इस वजह से। चलिए, तो अगर आपने पूरा चैप्टर देखा होगा, अगर वीडियो देखा है, तो आप ये इन फॉलोअप क्वेश्चंस को दे पाएंगे, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो ये है कुछ क्वेश्चंस, तो आपको बताने हैं मुझे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बेस्ड है आज के हमारे लेक्चर पे ही, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा सुना होगा तो जरूर आंसर कर पाएंगे। ये डायग्राम जो है वो एक्चुअल में नहीं हमने डिस्कस किया है, लेकिन आप जानते हैं इसके बारे में क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा सेक्शन जो होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था, सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स जो है उसके अंदर क्या कौन कौन सी सेल्स होती है, तो ये वही लेबलिंग है, तो आपको आंसर करना है। चलिए, कौन सी सेल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स है। तो ये हो गए फॉलो अप क्वेश्चंस, इनके मुझे आंसर्स बताइए कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को और बुक को भी फॉलो कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।